यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसे लेकर राजनीति गर्म है और इस पर हथौड़ा मारा पीएम मोदी ने। जब गर्म राजनीति पर हथौड़ा पड़ा तो चिंगारी निकलनी भी तय है। चिंगारी निकली तो सभी विपक्षी दल बीजेपी को घेरने लगे और इसे पीएम मोदी का 2024 के लिए दांव बताने लगे। ओवैसी, कांग्रेस और भी तमाम पार्टियों ने राजनीति शुरू कर दी। आम आदमी पार्टी समर्थन में तो उतरी, लेकिन कुछ नियम और शर्तों के साथ। ये सब चल ही रहा था तभी कुछ ऐसा हुआ कि पूरा का पूरा खेल ही पलट गया। कांग्रेस, वही कांग्रेस जो सोते जागते बीजेपी पर यूसीसी के लिए हमला बोल रही थी, अब वो समर्थन में उतर आई है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जब सरकार इस बिल को लेकर आएगी तब हम इसका समर्थन करेंगे। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वो कांग्रेस का अभिन्न हिस्सा है और कांग्रेस देश की एकता और अखंडता को आगे ले जाने का काम करती है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आगे कहा, 9 साल से देश में बीजेपी और एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार है, लेकिन जब चुनाव आता है तब बीजेपी एक शगुफ्ता लेकर आती है। पहले बीजेपी ने पुलवामा और फिर अनुच्छेद 370 पर वोट मांगे, इसके बाद बीजेपी ने राम मंदिर के नाम पर वोट मांगने का काम किया। अब चुनाव से पहले बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा लेकर आई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस शुरू करने की कोशिश की जा रही है। आज बीजेपी को देश में बढ़ रही बेरोजगारी और गिरती हुई जीडीपी के बारे में बात करनी चाहिए। आज हिमाचल प्रदेश का हक छीना जा रहा है, लेकिन बीजेपी इस पर कोई बात नहीं करती। हमने ये कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जब भी आएगा हम इसका समर्थन करेंगे। कांग्रेस पार्टी भी जो है, हम कांग्रेस पार्टी का अभिन्न अंग है और कांग्रेस पार्टी हमारे देश में एकता और अखंडता को आगे ले जाने में हमेशा कांग्रेस पार्टी ने अपना योगदान दिया है। एज एंड वेन जब ये लाया जाएगा उस समय इसके ऊपर पूरा समर्थन दिया जाएगा, मगर अभी जो बर्निंग इश्यूज हमारे देश के अंदर है, मणिपुर जो हमारे नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत अहम राज्य है, 1 महीने से जल रहा है, विभाजन जो है उसमें ऑलमोस्ट जो है सिविल वॉर के कगार के ऊपर है। अभी तक ना कोई मुख्यमंत्री के ऊपर कोई एक्शन लिया गया है, ना वहाँ पे कोई इमरजेंसी लगाई गई है, ना वहाँ पे गवर्नर रूल लगाया गया है, और यही चीज़ हमको देश के और राज्यों में भी देखने को मिलती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो असली इश्यूज़ है, बर्निंग इश्यूज़ है देश के अंदर, उसके ऊपर भाजपा बात करती नहीं है और लोगों को भ्रमित करने के लिए, मुद्दा बनाने के लिए इस तरीके की एक नई डिबेट जो है वो देश के अंदर छेड़ देती है, जिसकी वजह से जो असली इश्यूज लोगों के हैं वो कहीं ना कहीं सेंटर स्टेज पे ना रहकर पीछे हट जाते हैं, जो सही चीज नहीं है। बता दें कि लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोशल मीडिया पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में लिखा, यूनिफॉर्म सिविल कोड का हम पूर्ण तौर पर समर्थन करते हैं, ये देश की एकता और अखंडता के लिए जरूरी है, लेकिन इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। 9 साल से देश में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार है, इस कानून को लागू करने से कौन रोक रहा है? आज चुनाव से कुछ महीने पहले ही इसका प्रोपोगंडा क्यों हो रहा है? जय श्री राम। उनके इस ट्वीट को अंकुश डोभाल नाम के यूजर ने रिट्वीट किया है। अमूमन विक्रमादित्य सिंह पार्टी लाइन से हटकर बात करने के लिए इसी तरह चर्चा में बने रहते हैं। बात चाहे केंद्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के मंत्रियों से समर्थन लेने की हो या फिर अपने विभाग से जुड़ी शिकायतों को सोशल मीडिया पर एड्रेस करने की, विक्रमादित्य सिंह इन बातों में सबसे आगे नजर आते हैं। यही वजह है कि आए दिन उनके ये बयान सुर्खियां बटोरते हैं। अपने हर पोस्ट पर जय श्री राम लिखना भी विक्रमादित्य सिंह को पार्टी लाइन से अलग खड़ा दिखाता है। हालांकि जय श्री राम नारे पर किसी पार्टी विशेष का अधिकार तो नहीं है, लेकिन इसे दक्षिणपंथी संगठनों के साथ ही जोड़कर देखा जाता है। इसी तरह विक्रमादित्य सिंह के पिता वीरभद्र सिंह भी पार्टी लाइन से हटकर अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर का समर्थन खुलकर किया करते थे। जानकारी के लिए बता दें कि समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिए कानून सुनिश्चित करेगी जो सभी धार्मिक और आदिवासी समुदायों पर उनके व्यक्तिगत मामलों पर लागू होगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और मुस्लिम व्यक्तिगत कानून आवेदन अधिनियम 1937 जैसे धर्म पर आधारित मौजूदा व्यक्तिगत कानून तकनीकी रूप से भंग हो जाएंगे। फिलहाल इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।